दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोले देवा देव श्री आदिनाथ भगवान की जय, जय जय देवा देव श्री महावीर भगवान की जय, जय जय संत श्रोमणी गुरुराचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की जय, जय जय नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, जय जय गुणायतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, जय जय मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से परम पूज मुनि श्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रचन कलाब हम और आप लें उसके पूर्व पारस चैनल जिनवाणी चैनल आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रवचन सुनने के लिए जो घर में बैठे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगम्बर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे प्रातःकालीन मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरा साथ बोलेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए परम पूज मुनिश्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन कलाब हम और आप लें उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा हमारी धर्म प्रभावना समिति के निर्देशक आदरणीय अशोक भैया जी वे आए श्रावक संस्कार श्री के साथ साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान की संपूर्ण जानकारी सभी तक प्रेषित करें। आदरणीय अशोक जी आइएगा बंधु, अत्यंत सौभाग्य इस वर्ष के श्रावक संस्कार शिविर के पावन अवसर पर आप सभी लोग मात्र तीन चार दिन शेष हैं और उसके बाद शिविरार्थियों का आना प्रारंभ होगा। आप तो यहाँ पर हैं ही लेकिन सौभाग्य आप सभी के हाथों में है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिविरार्थियों के साथ साथ जिनने रजिस्ट्रेशन कराया है वो तो धर्म आराधना करेंगे लेकिन आप सबके लिए भी मंगल आशीष मिला हुआ है। महाराज श्री के मंगल प्रवचनों में कक्षाओं में प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से धर्म आराधना करने का सौभाग्य आप सभी के हाथों में है। तो आइएगा, आज तीन तारीख हो चुकी है, आने वाले चार पांच दिन के बाद चेतनमयी पर्वरात परिषण का आगाज हो रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है और 6 तारीख से इंदौर के बाहर के जो शिविरार्थी हैं वो शिविरार्थी आना प्रारंभ हो जाएंगे। सभी के लिए सूचना दे दी गई है, आपकी आवश्यकताओं के लिए जो भी सामग्री आपको लाना आएगा बड़ा सौभाग्य इसके बाद आपकी झोली में आने वाला है। खासकर इंदौर महानगर वालों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपकी नगरी में पहली बार 108 मंडली सिद्धचक महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है और ये सौभाग्य इसलिए भी बड़ा है कि सिर्फ विधान ही नहीं है वरन विधान के समापन पर 108 रथ यात्राएं, इतिहास की पहली घटना होगी जब सिद्धचक महामंडल विधान के बाद 108 रथ यात्राएं होंगी। बंधु लगभग लगभग बाउंड्री लाइन पर जा चुके हैं क्योंकि लगभग लगभग मंडलों के पुण्यार्जक सुनिश्चित हो रहे हैं, कुछ ही मंडल शेष रह गए हैं। जैसे कि हमने कल भी आपसे निवेदन किया था कि आप भी अपना एक मंडल आपको मिलेगा, हो सकता है जिन लोगों ने अभी मंडल सुनिश्चित किए हैं कोई बाधा आती है, महाराज श्री ने भी कहा था उसी समय कोई भी परेशानी आती है अगर उनका मंडल कैंसिल होता है तो जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनकी लिस्ट अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। वेटिंग तो बाद में, पहले फुल तो होने दो। वो फुल लगभग लगभग हो ही गया है, जो 5-7-10 मंडल रह गए हैं उसमें एक दिन के अंदर आपको सुनिश्चित अपनी तय करना है। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं इंदौर महानगर वालों के लिए पहला सौभाग्य है और बाहर जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा सौभाग्य है क्योंकि बाहर से भी लगातार, हाँ पूरा सौभाग्य
बाहर वाले भी हैं, लेकिन उसका उससे पहला सौभाग्य इंदौर वाले का, सबसे ज्यादा मंडल इंदौर वालों के सुनिश्चित किए जा रहे हैं। तो बंधु एक बार पुनः आपको मैं निवेदन कर रहा हूं, महाराज श्री का आशीर्वाद भी थोड़ा बड़ा आशीर्वाद हो गया है। पहले 3,51,000 रुपए की राशि के जो मंडल थे उसमें सिर्फ आपके परिवार के 8 सदस्यों को सुनिश्चितता थी, लेकिन अब महाराज श्री ने अपने आशीर्वाद की वरदानी इच्छाओं को थोड़ा सा विस्तृत किया है और आपके परिवार के 12 सदस्य एक मंडल के सम्मुख पुण्यार्जन कर सकेंगे। एक अनुरोध आपसे जरूर करना चाहूंगा, आज सायंकाल शंका समाधान के सत्र से विधान के जो पुण्यार्जक है उन पुण्यार्जकों के नामावली की घोषणाएं यहां से की जाएंगी, लिस्ट की घोषणाएं यहां से की जाएंगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये उनके नाम अभी जो आपने सुनिश्चित किया है उसके नाम है, लेकिन ये सुनिश्चितता तब होगी जब आपकी राशियां जमा होना प्रारंभ हो जाएंगी। कुछ ना कुछ राशियां आपकी जमा होना प्रारंभ हो जाएंगी, एक ना एक काउंटर मनी के रूप में एक कोई राशि आपकी जमा होगी, तब ये सुनिश्चितता होगी। आज सायंकाल से वो सारी व्यवस्थाएं होंगी। बंधु एक बार पुनः आपके लिए बता दूं, आप अपने अपने परिवार के इष्ट मित्रों के साथ संस्कृत के इस महिमामयी सिद्धचक्र विधान में अवश्य सहभागिता लीजिएगा, जिसके संपूर्ण उच्चारण महाराज के मुखार बिंद से होते हैं। एक बार पुनः निवेदन है, आप साक्षी नहीं बने सहभागी बने, आप दर्शक नहीं बने खिलाड़ी बने, भक्त बने आराधक बने, और अपने आराध्य की आराधना करके आप सिद्धत्व शुद्धत्व को पा सकें। इसी के साथ में पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीष वचनों के लिए निवेदन करता हूं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस त्याग। Ramo Arihantanam Ramo Siddhartha मंगलम अड़म मंगलम ज
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज की मुनिषि निरीक्षण संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु पिता ने बेटे से कहा बेटे जाओ बाजार से कुछ फल लेकर आओ बेटा बाजार से फल लेकर आया और उसी क्षण उस घर में किसी संत का आगमन हुआ परिवार ने भक्ति भाव से संत का सत्कार किया और उन्हें फल खिलाया उसी फल में से एक फल उठाकर पिता ने अपने बेटे की ओर बढ़ाया और कहा बेटा लो प्रसाद खा लो बेटा लो प्रसाद खा लो बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ कहा पापा थोड़ी देर पहले जो फल था वो प्रसाद कैसे हो गया ये तो वही फल है जो मैं बाजार से लेकर आया जब मैं लेकर आया तो फल था अब ये प्रसाद कैसे हो गया पिता ने बेटे को समझाते हुए कहा कोई भी वस्तु जिसका हम उपभोग करते हैं वह वस्तु या द्रव्य कहलाती है लेकिन वही वस्तु जब हम अपने इष्ट को समर्पित कर देते हैं तो इष्ट के संसर्ग से प्रसाद बन जाता है साधारण सा फल भी प्रसाद बन गया क्योंकि वह इष्ट के संसर्ग में आ गया है प्रसाद का मतलब क्या है जो हमें प्रसन्नता से भर दे जो हमें अंदर से प्रफुल्लित कर दे जो हमें आनंद से भर दे जो हृदय में प्रमोद भाव जगा दे वह प्रसाद गुण है भक्ति उसी प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति का नाम है जिसके हृदय में भक्ति भर जाती है उसके मन में प्रसाद यानी प्रसन्नता तुष्टि आह्लाद और आनंद के भाव की अभिव्यक्ति होती ये भाव उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए जो जो ऐसा भाव बढ़ता है हमारे जीवन की दिशा और दशा अपने आप बदलने लगती है अंतरंग में ऐसे भावों की अभिवृद्धि हो और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें हम इतने दिनों से उसकी ही चर्चा कर रहे हैं हम अपने अंदर प्रसाद भाव कैसे जगाए तो संत कहते हैं हृदय में भक्ति को जगा लो ज्यों जो भक्ति जगेगी चित्त में प्रसाद आएगा जीवन आगे बढ़ेगा और जीवन का पथ प्रशस्त होता जाएगा सवाल भक्ति का है भक्ति क्या है हम लोग बोलते हैं भक्ति मुक्ति दातार बोलते हैं भक्ति मुक्ति प्रदाता है ना जिससे मुक्ति मिले वो भक्ति है आपको मुक्ति चाहिए बोलो हाँ चाहिए
कह रहे हो मुक्ति चाहिए, पर तैयारी किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। अभी अगर कोई कह दे कि अभी अभी ऐसी व्यवस्था बनी है, कोई स्पेशल वैकेंसी निकली है और आपका नंबर आया है, चलिए मुक्ति के लिए, बोलो क्या करोगे? सीधे उठ के खड़े हो गए? नहीं होगे ना। क्या कहोगे? बहुत अच्छा, मेरा सौभाग्य है मेरा नंबर आया, कम से कम ये संदेश तो सबको दे दूं कि मुझे मुक्ति मिल रही, एक बार बता तो दूं। मैंने कह रही नहीं, जरूर आएगा विकल्प, आश्रम को खबर तो कर दो। ये अंतर मन की बात है। हम कहते भले हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन हमारे भीतर मुक्ति की कोई तैयारी दिखती नहीं है। वो तैयारी होनी चाहिए। चार बातें आज के संदर्भ में मैं करूंगा। भक्ति, भुक्ति, अनुरक्ति और मुक्ति। क्या? भक्ति, भुक्ति, अनुरक्ति और मुक्ति। भुक्ति से भक्ति की ओर बढ़ो। जो भोगों में लिप्त है उसके हृदय में भक्ति नहीं होगी। भुक्ति को छोड़कर जो भक्ति में लगेगा वो आगे जाकर मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करेगा। लेकिन भक्ति को मुक्ति तक ले जाने के बीच में मैं अनुरक्ति की बात कर रहा हूं। आप सब कह रहे होगे, सोच रहे होगे कि महाराज को विरक्ति की बात कहनी चाहिए, अनुरक्ति की बात क्यों कह रहे हैं? मैं कहता हूं भक्ति में ही विरक्ति है, अलग से विरक्ति की बात करने की जरूरत नहीं। हृदय में भक्ति का रस प्रकट हो गया तो बाकी सब बातें नीरस लगने लगती है। हम लोग भक्तामर पढ़ते समय रोज बोलते, पित्वा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रस तुम का इच्छे। जिसके अंदर भक्ति का रस चढ़ गया उसको बाकी सब बातें नीरस लगने लगती है। जिसने अमृत के सागर का जलपान कर लिया, वो क्षार क्षीर सागर का जल पीने वाला क्षार सागर की तरफ तो झांकेगा ही नहीं। जब तक तुम्हें क्षार सागर सुहा रहा है तो समझना अभी भुक्ति में ही रमे हो। जिस दिन भुक्ति से भक्ति की ओर मुड़ जाओगे, क्षीर सागर के जल का रसपान कर लोगे, सारा संसार तुम्हें क्षार सागर दिखने लगेगा, तुम्हें वो असार लगने लगेगा, उस तरफ तुम्हारी दृष्टि भी नहीं जाएगी। अपने आप को ऐसे मोड़ने की चेष्टा करने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं भक्ति से भक्ति की ओर आओ, भक्ति से विरक्ति की ओर न बढ़ने की जगह मैं कह रहा हूं अनुरक्ति की ओर आओ। मुक्ति बाद में, अनुरक्ति। भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। हृदय में जितना प्रगाढ़ अनुराग बढ़ेगा भक्ति उतनी अधिक बढ़ेगी। यह अनुरक्ति होनी चाहिए। किससे? प्रभु से, गुरु से, धर्म से। देव गुरु और धर्म में हमारी जितनी प्रगाढ़ अनुरक्ति होगी, संसार से अपने आप विरक्ति होने लगेगी, भक्ति अपने आप बढ़ेगी।
अनुरक्ति ही वास्तविक भक्ति है। अब भक्ति कैसी, अपने अंदर उतर करके देखना है कि जिस भक्ति की बात की जा रही है वो मेरे हृदय में है भी कि नहीं। वो भक्ति मेरे हृदय में है भी कि नहीं। यदि अंदर में भक्ति होगी तो अनुरक्ति दिखेगी, और वो अनुरक्ति ऊपरी नहीं भीतरी होगी। आप लोग रोज बोलते हो तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मी जन्म जरा मोरी हरो, करो मोह स्वाधीन। कितना उत्तम भाव है, ये भक्ति की प्रकाष्ठा है, पराकाष्ठा है। पर कभी ऐसी परिणति हुई, प्रभु का विरह व्याकुलता उत्पन्न करे, ऐसा जैसे मछली पानी के बिना तड़फ तड़पती हो, ऐसा भाव कभी आया? भगवान की पूजा के अभाव में, भगवान के सानिध्य के अभाव में व्याकुलता का अनुभव तो भले न हुआ हो, पर पूजा में विलंब होने पर व्याकुलता जरूर होती होती कि नहीं? थोड़ी देर हो गई तो कुछ कुछ होने लगता है। क्या हो गया, ये क्या है? ये अनुरक्ति की कमी है। भगवान से एक प्रार्थना करो कि भगवान मेरे हृदय में ऐसा अनुराग जागे, ऐसा आपके प्रति ऐसा अनुराग जागे, ऐसा अनुराग जागे, ऐसा अनुराग जागे कि अभी मैं आपके पास आया हूं, अब आपका हो जाऊं, आपका और केवल आपका हो जाऊं, और किसी की तरफ झांकने की भी इच्छा ना हो। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, आप लोग बोलते हैं। अब कहीं मुझे जाना ही नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन करते समय एक बात आती है, मुक्ति की प्राप्ति के लिए छाईक सम्यक दर्शन जरूरी है। छाईक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए केवली या श्रुत केवली का पाद मूल जरूरी। मैंने विचार किया, मोक्ष मार्ग नितांत आत्माश्रित, आत्मज्ञान हो गया, भेद विज्ञान हो गया, अपने स्वरूप को जान लिया, अपने में डूबने की योग्यता प्रकट हो गई, अब भगवान की भगवान के पास जाने की क्या जरूरत, केवली भगवान या शुद्ध केवली के पास जाने की क्या जरूरत, और केवली और शुद्ध केवली के पाद जाने की भी जरूरत, पास जाने की भी बात नहीं कर रहे, पाद मूल में जाने की बात कर रहे हैं। थोड़ा गहराई से समझना, कहाँ जाना है, केवली भगवान या शुद्ध केवली प्रभु के पाद मूल में जाना, सानिध्य में जाने की बात नहीं कर रहे, पाद मूल में जाने की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है, भगवान के गुरु के सानिध्य में तो कोई भी आ जाता है, पर पाद मूल में कोई विरला आता है। सानिध्य में जाना यानी दर्शन के लिए जाना, और पाद मूल में जाना यानी शरण में जाना। आप भगवान की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, धर्म की शरण में जाओ, तब वास्तविक भक्ति घटेगी।
जो शरण्य की शरण में जाता है उसका जीवन बदल जाता है। मैं अक्सर कहता हूं कि आप लोग दर्शनार्थी बनकर मत आओ, शरणार्थी बनकर आओ। दर्शनार्थी बनकर आओगे तो भीड़ का हिस्सा बनोगे, और शरणार्थी बनकर आओगे भीतर की भीड़ से बाहर हो जाओगे। जीवन में आमूल चूल परिवर्तन, जीवन का गुणात्मक परिवर्तन तभी होता है जब हम शरण ग्रहण करते हैं। शरणार्थी बनने का मतलब अपने अंदर का ईगो खत्म, अब पूर्ण समर्पण है, भक्ति का प्रकृष्ट रूप समर्पण है। समर्पण का मतलब अब मेरी कोई इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरी इच्छा, आपका निर्णय मेरा निर्णय, आपकी समझ मेरी समझ। जो आप चाहो वही मैं हूं, अब मेरा जीवन मेरा नहीं रहा, मेरा जीवन अब आपके लिए समर्पित हो गया, इसलिए जीवन आपका है। सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। बहुत कठिन है, बोलना सरल है, पर इसे आत्मसात करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये तभी घटित होता है जब समर्पण होता है, और समर्पण तभी प्रकट होता है जब हमारे अंदर का अहंकार छिन्न भिन्न हो जाता है। वही आड़े आता है, ऐसा करे तो ये वो चीजें जो जुड़ती है वो हमें हमारे ध्येय से दूर कर लेती है। ध्यान रखना, जब तक बुद्धि चलाओगे भक्ति नहीं होगी। भक्ति तभी होगी जब अपने बुद्धि को भगवान के चरणों में रख देंगे। आपने कभी सोचा भारतीय परंपरा में किसी भी इष्ट के समक्ष जाओ तो उनके चरणों में शीश झुकाया जाता है। आप लोग शीश झुकाते हो ना, नमस्कार करते हो, शीश क्यों झुकाते हो? कभी सोचा? सिर को उत्तम अंग कहते हैं, चरणों को सबसे निकृष्ट अंग माना जाता है, लेकिन फिर भी इष्ट के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, यानी उत्तम अंग को निकृष्ट अंग में झुकाते हैं। क्यों? ये शीश है ना, ये बुद्धि का प्रतीक है, अपनी बुद्धि को चरणों में अर्पित करने का नाम, यानी स्वयं को समर्पित करना है। अपनी बुद्धि को अर्पित करो, शीश नवाने का मतलब ये। और ध्यान रखना, हमें उसी ने ऊपर उठाया है जिनके चरणों में अपना शीश नवाया है, हमें उसी ने ऊपर उठाया है जिनके चरणों में जिनने हमें ऊपर उठाया है। अगर हम गुरु की शरण में जाएंगे, प्रभु की शरण में जाएंगे, तो जरूर ऊपर उठ जाएंगे। मैं गुरुदेव की शरण में गया, उनका दर्शनार्थी बनकर नहीं गया। दर्शनार्थी बना होता तो आपकी भीड़ में होता, शरणार्थी बना, उनने मुझे ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा दिया। हम शीश झुकाते हैं, अपने अंदर वो समर्पण का भाव हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अपनी क्रियाओं को
एक क्रिया की भांति अपना लेते हैं, उनके भीतर छिपे हुए विज्ञान को अक्सर भुला देते हैं। शीश क्यों नवाना, चरणों में सिर क्यों झुकाना, सोचो, ये एक कारण है। और दूसरा कारण और है कि किसी भी साधक की जो साधना की ऊर्जा होती है वो उनके पैरों से प्रवाहित होती है, उसमें भी खासकर नाखूनों से। इसलिए उनके रज को जब हम अपने माथे पे लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा से भी ऊर्जान्वित होने का सौभाग्य मिलता है। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाइए, शरणागत बने बिना सच्ची भक्ति नहीं होगी। हम लोग बोलते हैं चतारी शरणम पबज्जामि, बोलते हैं अरहंते शरणम पबज्जामि, सिद्धे शरणम पबज्जामि, साहु शरणम पबज्जामि, और केवली पन्नतम धम्मम शरणम पबज्जामि। बोल तो देते हैं कभी ऐसा लगा कि हमने भगवान को सच्चे अर्थों में अपने आप को सौंपा है, हम भगवान की शरण में गए, हम गुरु की शरण में गए, हम धर्म की शरण को स्वीकार किए? कह तो देते अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम, पर कुछ हो तो बोलो पहले भगवान याद आते कि डॉक्टर, बोलो। कमजोरी है, अपनी भावना को ऐसी बनाइए कि देव गुरु और धर्म के प्रति रोम रोम में समर्पण प्रकट हो जाए। इसके आगे कुछ भी नहीं, यही सब कुछ, ये भाव। अगर ऐसा भाव जागृत हो गया तो बेड़ा पार है। तो ये भक्ति हृदय में जगनी चाहिए, अंदर से बढ़े। जो जो ऐसी भक्ति बढ़ेगी तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा, इसके बिना मुक्ति नहीं। इसलिए मैंने कहा भक्ति के साथ अनुरक्ति हो। भक्ति से भक्ति की ओर बढ़ गए ठीक, लेकिन मेरी भक्ति में अनुरक्ति कैसी, ये देखना है बाद में मुक्ति। और एक बात बोलूं, भक्ति से मुक्ति मिलती है इसमें संशय नहीं। अगर हृदय में सच्ची भक्ति प्रकट हो गई तो पूर्ण मुक्ति जब मिलने होगी तब मिलेगी। लेकिन भक्ति करते ही हृदय में जो दुख होता है उससे मुक्ति मिल जाती, होती कि नहीं? द्वंद होता है उससे मुक्ति मिलती, मिलती कि नहीं? दोष होते हैं उससे मुक्ति मिलती, मिलती कि नहीं? और जो दुर्गुण होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है कि नहीं? तो दुखों से, द्वंद से, दोषों से और दुर्गुणों से मुक्त करा दे, उसी का नाम भक्ति है। यह उसका प्रत्यक्ष फल है। अंदर वैसा भाव जगाओ। मैना सुंदरी के अंदर यह भाव जगा था, उसके हृदय में प्रगाढ़ भक्ति थी। भगवान और भगवानी की वाणी पर उसके हृदय में अगाध श्रद्धा थी। कोड़ीपति से विवाह कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, पति तो कोड़ी होता ही नहीं, पति तो एक स्त्री का परमेश्वर होता है। और मेरे लिए यदि ऐसे ही पति का संयोग है तो मुझे स्वीकार है, कोड़ी भी मेरे लिए कंचन वर्णी है। और ये कोड़ तो शरीर के ऊपर है, आत्मा तो सबकी कुंदन है, मुझे स्वीकार है।
क्योंकि उसके हृदय में अरहंत प्रभु थे और उनकी वाणी थी। और कहाँ गई हो? कहीं नहीं गई, अरहंत की शरण में गई ना। आप लोग भजन गाते हो, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आई। अब आप ही लोग बोलिए, कर्म के सताए दुखों से हूं व्याकुल, कर्म की सताई अरहंत देव स्वामी शरण तेरी आई। ये भाव विशुद्धि ही मैना सुंदरी के जीवन में घटित चमत्कार का मूल था। उसके हृदय में ऐसी भाव विशुद्धि थी। अपने अंतस को टटोल कर देखो, पल में ऊपर नीचे होते रहता है, थोड़े में डगमगा जाते हैं। इसलिए भक्ति को अनुरक्ति में बदलो और अनुरक्ति ही मुक्ति में बदलेगी, मुक्ति तक पहुंचाएगी। इसलिए जरूरी है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भक्ति भाव से भरने की। 16 कारण भावनाओं में चार चार तो भक्ति है। अरहत भक्ति की बात हुई, आचार भक्ति की कल चर्चा थी, आज मैं शेष चर्चाएं थोड़ी देर में करूंगा। आचार और बहुश्रुत की भक्ति, प्रवचन की भक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति, आचार्य के स्वरूप को जानो। आचार्य कौन? जो स्वयं आचरण करे और आचरण कराए वो आचार्य। जो शिक्षा दीक्षा देकर जीवन का उद्धार करे वो आचार्य। वो आचार्य है और उसके प्रति भक्ति। इसका मतलब आचार्य को अपने जीवन का आदर्श बनाकर सदैव उनको अपना मार्गदर्शक और प्रेरक बनाकर चलना, ये आचार्य की भक्ति। आचार्य की बात को ही अपने जीवन का ब्रह्म वाक्य बना लेना, ये आचार्य की भक्ति। और हर कोई आचार्य नहीं बनता। व्यवस्था के रूप में आचार्य को संघ का नायक बनाया जाता है, लेकिन आचार्य के लिए बहुत सारी अर्हताएं हैं। जो आचारवान हो, जो व्यवहारवान हो, जो आधारवान हो, जो प्रकर्ता हो, जो आया पाए प्रदर्शी हो, जो औपीड़क हो और जो निर्यापक हो, ये 8 गुणों से मंडित हो, वो आचार है। आचारवान यानी जो खुद अपने आचार विचार में खरा हो, पहले करता हो बाद में कहता हो, पहले करता हो बाद में कहता हो। हमारे गुरुदेव की ये सबसे बड़ी विशेषता थी। वे कहते बाद में थे, करते पहले। मुझे याद है 1985 तक वो एक चटाई लेते थे। हम लोगों की छुल्लक इच्छा हुई और एक दिन उनने कहा कि देखो चद्दर ओढ़ना बंद करोगे तभी चटाई छोड़ पाओगे। चद्दर ओढ़ना, चुल्लक जी लोग सुन रहे हैं ना, चद्दर ओढ़ना बंद करोगे तभी चटाई छोड़ पाओगे। लेकिन मैंने देखा उससे पहले गुरुदेव आहार जी से चटाई ओढ़ना छोड़ दिए थे, केवल बिछाते थे। एक चटाई, छोटी सी चटाई थी, 84 तक तो ओढ़ते भी थे, 85 में आहार जी के चातुर्मास में हमने देखा वो चटाई बिछाते थे। लेकिन जिस दिन हम लोगों से कहा उसके 15 रोज पहले उनने चटाई बिछाना भी बंद कर दी। तब हमसे कहा
कि चद्दर ओढ़ना छोड़ोगे तभी चटाई छोड़ पाओगे। मैंने उनकी उस बात को उस दिन आत्मसात किया, नतीजा आज चटाई से मुक्त हूँ, चटाई की कोई ज़रूरत नहीं। एक दिन उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और उन्होंने कहा आज थोड़ी कमजोरी सी लग रही। हम लोगों ने कहा गुरुदेव सामायिक लेट के कर लो, तो कहे हैं प्रमाद नहीं, उठ के बैठ गए, मुझ में बहुत शक्ति है, मैं बैठ के सामायिक करूँ। तो बैठ, बोले देखो मैं बीमारी में लेट करके सामायिक करूँगा तो तुम लोग स्वस्थ दशा में लेटना शुरू कर दोगे। ये आचारवान होने का प्रमाण है, आधारवान, जो संघ को पूरा आधार दे, जिनकी सोच इतनी बड़ी हो और जिनका आभा मंडल इतना प्रगाढ़ हो कि जो आए उसको लगे अब हमें कोई चिंता ही नहीं, सबको निश्चिंत कर दे, वो आधारवान। जिनकी ग्रेविटी बहुत तगड़ी हो, जो सबका संबल बन जाए, सबका आधार बन जाए, सबके संरक्षक बन जाए और सबको शरण दे पाए, वो आधारवान है। तीसरा गुण है व्यवहारवान। व्यवहारवान क्या होता है? जो सब चीजों को व्यवहारिक तौर पर देखते समझते, जो लकीर के फकीर ना हो। आचार्य के गुणों में एक विशेषता है प्रव्यक्त लोकस्थिति, जो लोकस्थिति को अच्छी तरीके से जानते और समझते हो वो व्यवहारवान कहलाते हैं। उस व्यवहारवान गुण के कारण उनसे हर पल जिन शासन की उन्नति होती है कहीं किसी प्रकार की क्षति नहीं होती, वो व्यवहारवान। गुरुदेव इस अर्थ में बहुत ही कुशल थे। मैं एक घटना सुनाता हूँ, 1994 की बात है, अमरकंटक की ओर विहार हो रहा था, डिंडोरी में नगर प्रवेश था। डिंडोरी से 10 किलोमीटर दूर आहार हुआ, पहले आहार हुआ मंडला की तरफ, क्योंकि वो पूरा ट्राइबल एरिया, छोटे छोटे गांव, स्कूल बहुत छोटे छोटे, स्थान की बड़ी कमी थी। तो क्या किया संघ को, लोगों ने एक स्कूल में रोक दिया, छोटा सा 2 कमरे का स्कूल था, और टेंट लगा के चौके लगाए। आचार्य महाराज निकले, सपूरा संघ निकल गया। कुछ कमरे, कुछ चौके एकदम टेंट में ही थे, सूखी घास थी। आचार्य महाराज को आहार 3-4 मिनट नहीं हुए, वापस हो गया, आहार हो गया, हम लोग सबका आहार हो गया। दोपहर में नगर प्रवेश हुआ, हजारों की तादाद में आदिवासी लोगों ने भाव भीना स्वागत किया, अद्भुत स्वागत। गुरुदेव का प्रवचन हुआ, आहार हुआ, सब कुछ। उसके बाद दूसरे दिन जब आहार पे उठने का समय आया, गुरुदेव ने कहा आज मेरा उपवास है, आप लोग आहार कर लें। उपवास? हाँ आज मेरा उपवास है, आप लोग जाइए। हम लोग कुछ बोल नहीं पाए, पूरा संघ आहार को उठ गया। आहार करने के उपरांत जब हम लोग इरियापथ में प्रत्याख्यान के लिए गए तो गुरुदेव ने कहा देखो कल सबने अशुद्ध आहार लिया, जहां चौके लगे वो आहार के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी, सूखी घास थी। लोगों ने कहा सूखी घास में कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। बोले जहाँ चौके लगे वो आहार के लिए उपयुक्त नहीं थी, मेरे लिए विकल्प हुआ। पर मैं सोचा अगर मैं लौटता हूँ
तो पूरा संघ लौट जाएगा, पूरे संघ का उपवास हो जाएगा। और इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा, गैर जैनों के बीच क्या होगा, पूरे मुनि संघ का उपवास हो गया, हम पहली बार जा रहे, इसलिए हमने मन महसूस कर आहार तो कर लिया, आज का उपवास उसी के प्रायश्चित में किया है। धर्म की अप्रभावना ना हो ये सोचकर मैंने कल तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आज का उपवास उसी के प्रायश्चित में किया है। और आप सबको भी प्रायश्चित में एक एक उपवास करना चाहिए। सबको प्रायश्चित दिया, हम लोगों ने प्रायश्चित किया और कहा कि समाज को बता भी देना कि आगे ऐसी गलती ना करे, चलेगा भी, आगे ऐसी गलती ना करे। ये है व्यवहारवान, दूसरे होते तो या तो लकीर के फकीर बन जाते, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, सीधे लौट आते और श्रावकों पर बरसते, ये कोई तरीका है तुम लोगों का, विवेक है, बिहार तो करा लेते हो, विवेक नहीं रखते हो, ऐसी जगह में हार पता नहीं क्या क्या करते। और थोड़ा ज़्यादा उदार होते तो कहते आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, इतना तो चलता। दोनों अतियाँ हैं, गुरुदेव ने बीच का रास्ता निकाला, यह है व्यवहारवाद। बंधुओं, आचार्य होना और आचार्यत्व से मंडित होना, इसमें बहुत अंतर है। मैं तो मानता हूँ पिछली अनेक शताब्दियों के बाद आचार्यत्व से मंडित, आचार्य के सानिध्य में रहने का, उनकी शरण में रहने का सौभाग्य हम सबको मिला। और ऐसे आचार्य अगली कई शताब्दियों तक दुर्लभ होंगे ऐसा मुझे लगता है। प्रकर्ता जो सबको उसके मार्ग पर लगाने के लिए तत्पर हो, उसके हिताहित के बारे में सोचते हो, उसकी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में सोचते हो और उसे आगे बढ़ाते हो, और पीड़क जो उसके अंतर में उतर कर उसके भीतर के दोषों को निकाल दे, उगलवा ले, वो अपीड़क उनका गुण होता। और अपरिश्रावी शिष्य की सब बातें जानने के बाद, बड़े से बड़े दोषों को जानने के बाद उसे किसी के आगे प्रकट न करना, आप परिश्रावी गुण होता है। और अंत में है निर्यापकत्व, जो एक प्रकार के आचार्यत्व का ही द्योतक है और आचार्य का विशेष गुण है, जो किसी के अंत में समाधि के काल में उसका निर्वाह कराए और जीवन पर्यंत उसे मार्ग पर टिकाए रखे, ये आचार्य के गुण हैं। ऐसे आचार्य की शरण को स्वीकारना और आचार्य को अपना आदर्श मान करके चलना आचार्य भक्ति है। ये भाव अपने अंदर बने रहना चाहिए। इसी प्रकार बहुश्रुत की भक्ति और प्रवचन की भक्ति, चूँकि कल चारित चक्रवर्ती शांति सागर महाराज का समाधि दिवस परसों है, चलो ठीक है, तो फिर अब दिन कितने बचे, भावनाएं कितनी बची, बहुश्रुत प्रवचन आवश्यक कपड़े आनी मार्ग प्रभावना प्रवचन बत्सलत पाँच है, चार दिन बचे हैं, पाँच है, चलिए आज रोकता हूँ, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति को कल लेंगे और फिर आगे जो प्रसंग आएगा उसको देखेंगे, पर्यूषण तक हमें पूरी बात करनी है। अपने हृदय में दो अमावस्या, चलिए अपने सबके हृदय में ऐसी भक्ति और बहुमान का भाव वृंदिंगत हो और हम सब अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें इसी भाव के साथ। 5 सितंबर महाराज जी कह रहे हैं कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, कुछ विशेष 5 सितंबर को महाराज जी के द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार एक विशेष संघ का समाधान होगा, जिसमें इंदौर शहर के सारे प्रमुख शिक्षाविद होंगे,
यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति भी उसमें आएंगे और अनेक शिक्षक प्राध्यापक और प्राचार्य यहाँ पर आएंगे। 500 शिक्षकों का वह विशेष समूह होगा जिसमें विभिन्न शिक्षाविदों की उपस्थिति होगी और उनके मध्य हमारे ये शंका समाधान का एक विशेष सत्र होगा जो 5:45 से 6:20 तक चलेगा। आप सब उस दिन के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे ताकि आप सबको एक विशेष दिशा और दृष्टि प्राप्त हो सके। ये सूत्र मिला वो तो भाग लेंगे ही, जिन्हें अवसर नहीं मिला वे अन्य कार्यक्रमों में जैसे प्रवचन है, शंका समाधान है, तत्वार सूत्र की क्लास है, प्रतिक्रमण है और भावना योग है, उनमें लाभ ले सकेंगे। लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं वे सब इस पंडाल परिसर से बाहर जो एक्सटेंशन है वहीं बैठ पाए। भीतर केवल शिविरार्थियों के लिए स्थान होगा जो शुद्ध वस्त्रों में और शिविर के परिधान में होंगे, इसलिए आप सब उसका लाभ उठाएं। और जैसा अभी आपको बताया गया कि विधान के नाम लगभग पूरे होने को है, मुझे बता दिया गया था 90 पार तो कल हो, सुबह तक और ना जाने कितने आए हों, तो आप वेटिंग में ना जाना पड़े, इसलिए पहले से अपनी कंफर्म टिकट बुक कर लो। अभी मिल रही है, देर करोगे तो वेटिंग है और वेटिंग कर